यार कुछ नीचे गिरा है अभी, ट्रक है यार। ओ भयंकर यार, पूरा गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रास्ता नहीं है ये बाइक के लिए, बिल्कुल अच्छा रास्ता नहीं है अभी। Hey guys, what's up? This is me again. Welcome back to my channel. आज का प्रोग्राम ये है कि I have to leave for आई होप कि यार बारिश वारिश ज़्यादा ना हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। फटाफट पैक वैक करके निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी मैं निकल गया हूँ बिलासपुर से। काकरट भाई अपने सुपर सेवन फॉर्म दिखा रहे हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है, तो अगर बारिश ना हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। गाइस यार अमेजिंग व्यूज। Look at those clouds, guys. Isn't it amazing? Oh, look at the mist around the mountains. Wow, yeah. It's really, really peaceful. Shit, yeah. GoPro, stop recording. यार कुछ नीचे गिरा है अभी और ट्रक है यार। ओ भयंकर यार, पूरा गिर गया। यहाँ साइड में खड़ा हुआ था क्या? यार इट्स टू रिस्की, बहुत सेफली चलना पड़ेगा यार। पूरा ट्रक खराब हो गया भाई, पूरा ट्रक खराब हो गया। अब यहाँ पे लगेगा लंबा जाम। गाइस फाइनली रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप जो है मुझे मिल गई और अभी होपफुली काम बन जाएगा। बाइक उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया लिफ्ट करके, कह रहे कि एक घंटे के आसपास लगेगा, उसके बाद सीधा अपन लोग निकलेंगे। चलो भाई, थैंक यू। ओके ओके भैया, आपका नाम क्या है और डीलरशिप का क्या नाम है? रिवरपूल मोटर मोटर वगैरह यहाँ पे बुंगरो 2। मात्र आपको विश्वास नहीं होगा, 238 रुपये में मेरा पूरा काम हो गया और मैं कल से बहुत परेशान था इस चीज़ की वजह से। बाइक हो गई है एकदम टंच और ब्रेक लग रहे हैं जबरदस्त। यहाँ से भी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, आप मुझे देखते रहोगे, मैं आपसे बात करता रहूँगा। ब्रेक से लग रहे हैं फाइनली, बढ़िया से ब्रेक लग रहे हैं एकदम। तो गाइस अभी मैं मंडी पहुँच गया। ये भैया जीबी के लिए किधर से जाएंगे? जीबी मानसून की वजह से सब कुछ जैसा हो रखा है यार, कुछ भी नहीं खुला हुआ यहाँ पे। प्लान अभी ये है कि यहाँ से निकलेंगे सीधा जीबी वैली। अगर मैं डालता हूँ 60 किलोमीटर दिखा रहा है और ढाई घंटे के आसपास दिखा रहा है, तो मैं 7 बजे के आसपास कहीं 7-8 बजे ही पहुँचूँगा जीबी वैली। और उस टाइम पे कैंपिंग वैम्पिंग का करना बड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो दरअसल रॉयल एनफील्ड में इतना टाइम लग गया आज कि वहाँ से निकलने में मुझे 1 बज गया। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। ब्रेकफास्ट डन, सुबह से कुछ नहीं खाया था तो काफ़ी देर से भूख लग रही थी। सामने भैरव बाबा का अगर आप देखें तो प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन हमें वो लेना नहीं है, वी आर सोबर पीपल। ये कुछ लैंडस्लाइड हो गया है और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और दिक्कत है। आई होप कि बाइक निकलने की जगह हो। अभी एक उधर से भाई आ रहे थे बाइकर्स, तो आई आस्क्ड देम कि भाई क्या है अगले आगे का हाल, तो दे टोल्ड मी कि बहुत ज़्यादा लंबा जाम है, पूरी पहाड़ी फिसल गई है, काफ़ी लंबा जाम है भाई, काफ़ी लंबा जाम है। बाइक के निकलने का रास्ता मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से। बाइक होने के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। जहाँ तक आके जा रही है
वहाँ तक जाम ही जाम है, कोई भी अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा मुझे इस जाम का। ओ भाई ये पत्थर आए इधर लुढ़क के, ये रास्ता है पूरा, ये स्लाइड आ गया नीचे। अब ये जेसीबी आई है, इसने खुदवाया है पूरा। रास्ता भयंकर हो रखा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है रास्ता भाई। हाय आए हाय, धीरे 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 धीरे, जूते की तो माँ बहन हो जाती इस टाइम पे। अच्छा हो मैंने क्रॉक्स पहन लिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रास्ता नहीं है ये बाइक के लिए, बिल्कुल अच्छा रास्ता नहीं है। अभी बहुत खतरनाक हो रखा है सब, रोडें काफ़ी खाली हैं, गाड़ी का ट्रैफिक आ क्यों नहीं रहा है, ये है वजह। आगे जाम है, काफ़ी जाम है, वही मैं कह रहा था कि ये इतना कोई भी गाड़ी उधर से आ क्यों नहीं रही है, और ये कारण था कि कोई भी गाड़ी आ नहीं रही है। फिर से एक लंबा जाम देखते हुए हमारा कारवां, लोग अपनी गाड़ियां बंद कर करके साइड में खड़े हैं। अरे भाई लोग, बस 30 किलोमीटर रहता है जी भी, सारा ट्रैफिक सारी भीड़ भाड़ सब पीछे छोड़ते हुए दोस्तों अपन लोग जीबी के लिए चल पड़े हैं। और जीबी का रास्ता काफ़ी स्टार्टिंग से ही अलग सा दिख रहा है, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी ज़्यादा दिख नहीं रही है, कुछ लोकल के बस बस हैं सब जो भी है, और ऑलरेडी वैलीज अच्छी दिख रही है दोस्तों। पीछे दो रोड थे, एक जा रहा था मनाली के लिए, एक जा रहा था जीबी के लिए। एक्चुअली उस टाइम पे कैमरा रिकॉर्ड ऑन किया, लेकिन वो पता नहीं किसी वजह से स्टार्ट हो नहीं पाई तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। एक तरफ जा रहा था 500 हजारों गाड़ियां, और इधर की तरफ कोई भी एक भी गाड़ी नहीं थी। जीपी के लिए यही है ना भैया, अब 3-4 किलोमीटर आगे मिल जाएगा, उसके बाद फिर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ करा लेने टैंक, कुछ करा लेना टैंक। देर आए दुरुस्त आए, अभी फुल करा लेते हैं अपनी बाइक में, पेट्रोल थोड़ा सा कम ही बचा था। डाल दो यार फुल कर दो भाई, पैसे तो कम है लेकिन टैंक तो फुल कराना ही पड़ेगा ना, वरना जाएंगे कैसे घर। बहुत कीचड़ करवा रखा है यार, भिखारी जैसी हालत हो गई जी भी। और तीर्थम, ये पूरा तीर्थम ही चल रहा है। अच्छा पहले तीर्थम वैली आ जाता है, बाद में जीबी वैली आती है, और आ जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे दोस्त आ जाएगा अभी। एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि दिल्ली से सस्ता पेट्रोल तो यहीं पे ही है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, वाओ यार, दैट्स अमेजिंग राइट, दैट्स अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। आई वॉज काइंड ऑफ मेड फॉर दिस ना, आई वॉज काइंड ऑफ मेड फॉर दिस। गाइस दिस इज द मार्केट बिफोर जीबी वैली, और अगर आपको कुछ भी चीज़ें फैचअप करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। छोटी मोटी दुकानें तो ऑब्वियसली होंगी वहाँ पे। क्या स्टीप चढ़ाई है भाई, लकड़ी की खुशबू, इस खुशबू से मुझे तब भी याद आती है जब दिवाली पे घर पे काम हो रहा होता है ना, पेंट की खुशबू, लकड़ी की खुशबू, और अभी वही टाइम आ रहा है। ये भाई, ये भाई बढ़िया। ये क्या बना रखा है भाई ने बैठने के लिए, चलाने के लिए, यहाँ पे ये सही है यार। इससे ऊपर से नीचे आ जाते होंगे, ऊपर उठा के ले जाओ ना, लकड़ी कहीं तो है जरा सा। अच्छी जगह है काफ़ी, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। जी भी पहुँचने में अगर अकॉर्डिंग टू गूगल मैडम टाइम बचा है 21 मिनट का, और किलोमीटर बचे हैं 8। बचपन से सोच रहा था कि यार करूँगा, बट फाइनली आई हैव स्टार्टेड इट, आई एम हैप्पी कि मैंने शुरू किया। ओ भाई काफ़ी स्टीप कर्व है यार, ये जगह एकदम से इंक्लाइंड हुई है इसकी हाइट, और मुझे लगता है कि टेम्परेचर भी इसकी वजह से डिप होगा। काफ़ी बढ़िया है, ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोग समझ पाएँ
कि जीवी जाने का रास्ता कैसा है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आई थिंक ये वर्दी रहेगा। ओ माय गॉड यार, गाइस आई फाइनली रीच्ड माय डेस्टिनेशन जीबी कैंप्स इन जीबी। एक्चुअली लास्ट राइड का लास्ट पार्ट में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे मेमोरी कार्ड का कुछ इशू हो गया था। कैसे हम चले थे और कैसे हम हो गए। चलो अभी पूरा सब कुछ अनलोड करके मिलते हैं सीधा कैंप के अंदर। खाना खा चुका है और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, बढ़िया। चलो अब मैं प्यार से खाना खाता हूँ, आप लोगों को बाद में मिलता हूँ।